ठंडियों के मौसम में जल्दबाजी में नाश्ता बनाना किसी को नहीं पसंद। सब यही चाहते हैं कि ठंड के मौसम में सबसे आसान और अच्छा नाश्ता बनकर की रेडी हो जाए कम समय में, और खासकर जब बच्चों के लंच में बनाकर देने की कोई बात हो। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी सूजी की बहुत ही मजेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। ये नाश्ता बहुत ही डिफरेंट है, ना कचौड़ी है ना पकौड़ी, अगर इसे बना करके खा लिया तो सब भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए होगा मिक्सिंग बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी ऐड करने के बाद से अब हम लोग इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, एकदम स्मूथ। इसमें अब हम लोग डाल देंगे 1/2 कप छाछ। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पानी का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तेल इसे यहाँ पे मैंने लगातार चलाते हुए इसे अच्छे तरीके से मिला लिया। यहाँ पे अभी बैटर हम लोग का थोड़ा सा मोटा ही है, लेकिन अभी इस स्टेज पे हम लोग इसमें कुछ वेजेस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए स्प्रिंग ओनियन, जिसे हम लोग सग्गा प्याज के पत्ते बोलते हैं। आप चाहे तो बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च सब कुछ ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको सब्जियों में पसंद है। इसके बाद से मैंने इसमें ऐड किया बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए थोड़े से प्याज और बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते, और थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे साबुत जीरा। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल थोड़े से कम सामान में टेस्टी नाश्ता बना करके रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी। तो अब हम इन सब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे बैटर मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही बार ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं क्यों, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बार इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद से हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद से सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ी सी मोटी है, लेकिन अभी हम लोग इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि सूजी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल जाए। तो 5 मिनट के बाद से यहाँ पे सूजी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल चुकी है और ये बैटर बिल्कुल हल्का हो चुका है। अगर आप बैटर बनाने के लिए मट्ठा या छाछ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने तवे को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल बेस पे लगा हुआ है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम लोग इसमें अपने बैटर को इस तरीके से डालते जाएंगे। और यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतली थी और ना ही ज़्यादा मोटी, तो कितनी आसानी से ये अच्छे तरीके से शेप ले रही है। तो इस तरीके से बैटर को तवे पे गिरा देंगे। उसके बाद से हम लोग इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से एक साइड से कुक होने देंगे। उसके बाद से हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से बहुत ही प्यारा कलर और टेक्सचर आ चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी करारी। अब दूसरी साइड से भी हम लोग इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लीजिए, मैंने नाश्ते को लट्टे पलटते हुए दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी करारी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर के रेडी है। अब बस इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम समय में सूजी का फटाफट से नाश्ता बनकर के रेडी है। तो आप ठंडियों के मौसम में अपने बच्चों के लंच के लिए ये नाश्ता बना करके दे सकते हैं। बहुत ही कम समय में बिल्कुल क्रिस्पी करारी ये नाश्ता बनकर के रेडी हो जाती है, और सच में फ्रेंड्स ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे शाम की चाय पे भी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मजेदार। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।